नूरी 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 उनका पैगर नूरी नूरी उनका पैगर नूरी नूरी सुबह तैबा में हुई पटता है बाड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ये बैठे होते हैं और चूंकि मैं यहाँ आ चुका हूँ तो मेरा खुद ही मिजाज बदल जाता है कि मैं अपनी तरह से मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का क्या बात है मेरे आका की नूरी नूरी उनका पैगर नूरी नूरी उनका पैगर क्या बात है मेरे आका की नूरी नूरी उनका जब आप पढ़ेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ फिर मैं अपने रंग में आ जाऊंगा जरा ऊंची आवाज में नूरी नूरी उनका पैगर नूरी नूरी उनका पैगर क्या बात है मेरे और कुल के नूरी नूरी बहुत अच्छा क्या बात है आका की ये मतलब बस आप सुन लीजिए मुझे इसको किसी दूसरी तर्ज में पढ़ना था मैंने दूसरी तर्ज में पढ़ा है तो मैं आपको फिर इंशाल्लाह सुनाऊंगा अभी एक कलाम से आगाज करता हूँ सुनिएगा थैंक यू शुक्रिया
सुनिए आप। कांपती लड़खड़ाती ज़बान बोल उठी, थोड़ा सा बेदार हो। कांपती लड़खड़ाती ज़बान बोल उठे, कांपती लड़खड़ाती ज़बान बोल उठे, है सदाए गुनाहगार आ जाए। कांपती लड़खड़ाती ज़बान बोल उठे, है सदाए गुनाहगार आ जाए। कांपती लड़खड़ाती ज़बान बोल उठे, है सदाए गुनाहगार आ जाए। सबको आवाज देने का क्या फायदा, सबको आवाज देने का क्या फायदा, सबको आवाज देने का क्या फायदा। आप हैं मेरे सरकार आ जाइए, सबको आवाज दे। पढ़ो सबको आवाज देने का क्या फायदा, सबको आवाज देने। कोशिश करेंगे तो जब बिहार बंगाल वालों को आसपास है तो आप लोग तो यूपी के रहने वाले वाले वो भी मुरादाबाद के हैं, जरा ऊंची आवाज में सबको आवाज देने का क्या फायदा। आप हैं मेरे सरकार आ जाए, सबको आवाज देने। आप हैं मेरे सरकार आ जाए, वाले का कोई सहारा नहीं। आखिरी बात है तो चारा नहीं, मरने वाले का कोई सहारा नहीं। आपकी तो नजर भूखती है अभी, आपकी तो नजर भूखती है अभी, आपकी तो नजर मददगार आ जाए। आप ही को नजर ढूंढती है, आप ही है मददगार आ जाए। सबको आवाज दे। बहुत अच्छे भाई जिंदाबाद। एक बार जितने मौजूद हैं सारे दीवाने हुजूर के हैं, अपने हाथों को उठा के पूरी ताकत के साथ पढ़ना है। सबको आवाज दे, आप हैं मेरे सर। दो दो कदम कुर्सियां आगे ला रहे हैं, दो दो कदम, ठीक है, दो दो कदम। सबको आवाज देने का क्या फायदा, आप हैं मेरे सरकार आ जाए। सबको आवाज देने, अल्लाह करे ये शेर सबको याद हो जाए। पूरी ताकत के साथ पढ़िए, सबको आवाज दे। बहुत अच्छे। कर आ जाए हमार भाई का इदारा के वालिदे ग्राम की मेहनत। आज महफिल सजी है मिलाद, सुना है आप घर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चराना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आवाज दो मोहब्बत के साथ, सबको आवाज देने। आप हैं मेरे
दिलदार आ जाए दुनिया वाले दाने आप बनकर तरफदार बाद की आवाज में सबको आवाज देने ये जो बच्चे बैठे हैं अल्लाह ताला इनके वालिदैन को सलामत रखे हुजूर की महफिल में भेजा है तो जरा ऊंची आवाज से करो बेटा और मोहब्बत के साथ पढ़ो सबको आवाज देने आ जाए आप हैं मेरे सरकार अब जो शेर आने जा रहा है वो आपके लिए और हमारे भाई बैठे हैं किबला बैठे हैं शेर सुनिएगा और सुन के ऐसे खामोश नहीं बैठिएगा बताइएगा कि मुरादाबाद वाले जब शेर सुनते हैं तो सुन के उसका जवाब भी देते हैं शेर सुनिए और बताइए कि आप कहां के रहने वाले हैं मोहब्बत के साथ सबको अगर एक बार नौजवान खाली मेरे साथ खड़े होकर पढ़ सकते हैं तो खड़े होकर पढ़िए सबको आवाज देने अल्लाह करे सारी आवाजें निकल के हुजूर के लिए बाहर आए आवाजें ऊंची कीजिए ना दबाइए सबको आवाज देने सबको आवाज देने बैठ जाए सबको आवाज देने का क्या फायदा आप है मेरे सरकार आपके वाले से सबको आवाज देने का क्या फायदा क्या फायदा सबको कम से कम मैं कहीं जाऊंगा तो ये बता सकूंगा कि मुफ्ती हमाद साहब के अपने इदारे में प्रोग्राम हुआ था तो ये जो सामाईन आए थे इनके महल्ले के लोग थे सारे सब रिश्तेदारी होंगे तकरीबन तो सारे सुनने में कैसे थे और इनके अंदर कैसी बेदारी थी जरा एक बार और हाथ उठा के पूरी ताकत के साथ पढ़िए सबको आवाज देने आ जाए आप है मेरे सरकार आ जाए सबको आवाज देने का क्या फायदा आप है मेरे सरकार
शफात का है आपके सर सेहरा शफात का है बख्शवान हटाकर आ जाए आपके सर सेहरा शफात का है बख्शवान हटाकर आ जाए सबको आ जाइए तापता बदन रोंगटे खड़े लोग दफना के वापस चले गए तापता बदन रोंगटे खड़े लोग दफना के वापस चले गए कबूतरी रात में अच्छा आप में से कोई एक बंदा ऐसा है जो पूरी ताकत के साथ खड़ा होकर नारा बुलंद करे थोड़ा सा पता चले कि मुरादाबाद में महफिल हो रही है। अच्छा जी जी माशाल्लाह सलामत रहें के पढ़े सबको आवाज दे कितना चाहा है इस चांद ने टूट कर एक इशारे से टुकड़े हुआ है कमर एक इशारे से टुकड़े हुआ है कमर कितना चाहा है इस चांद ने टूट गए सबको आवाज दे जब मैंने खुद कहा तो मैंने दो तीन दिन कोई शेर नहीं किया क्योंकि उसी के हिसार वो शेर सुनिए ये आशिक लोग बैठे हैं बहुत मौजूद लोग बैठे हैं उस्मान भाई शेर सुनिए मेरा शेर सबको आवाज देने कोई फायदा नहीं है और उसकी आवाज सबको आवाज देने आप हैं आ जाए रोजे अव्वल से बस एक ही ख्वाब है बिस्तरे
शेर था, आप दोनों हाथों को उठा ले, नारे नारे सरकार की माशाल्लाह, सबको आवाज देने याद हो गया ना, मिस्रा याद हो गया ना, अब पूरी ताकत के साथ हाथ उठा दो, सबको आवाज देने बेदम आंखों में दम रुका के किसी के लिए जरूर, आंखों में दम रुका के किसी के लिए जरूर, वरना मरीज हिजर को मर जाना चाहिए, अब आ जाइए दम निकल के लिए ये एक शेर पीछे आगे जितने लोग बैठे हैं सुन के मुझे बताइएगा, माँ बाप के वफादार बेटों के नाम एक शेर पढ़ के जा रहा हूँ, समाज में देखिए सबको आवाज देने उनकी खिदमत से राजी सलामत रहे ये छोटे छोटे बच्चे, दिल लग गया वाकई। तो एक और कलाम, लेकिन अब मुफ्ती साहब जो कहें, नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीअना सल्ले अला शफीअना सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़िए सल्ले अला नबीअना शरीक हो जाइए, मिलके दुरूद पढ़ना है ऊंची आवाज में पढ़िए, सल्ले अला नबीअना सल्ले अला। एक और डिले बढ़ा दो, आप सब शरीक हो जाइए, सल्ले अला नबीअना सल्ले अला मोहम्मद। ये बच्चे बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, सारी आवाज़ कहाँ ले जाएं, खोली आवाज़ मोहब्बत के साथ पढ़िए, सल्ले अला नबीअना सल्ले अला
محمد صلی علی شفیعنا صلی علی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا अच्छा लग रहा है। सब मिलके दुरूद पढ़ रहे हैं। गुलाम हुजूर के बैठे हैं, जरा ऊंची आवाज में पढ़िए। ये बच्चे बैठे हैं, पढ़ो मिलके। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। अकीदा इमाम खौफ न रख रजा जरा तू तो है अब्द मुस्तफा तेरे लिए आमान है तेरे लिए आमान है तेरे लिए आमान है बोलो तेरे लिए आमान है तेरे लिए। सलामत एक कलाम का आज इंतखाब किया है, आपके यहाँ आया हूँ। नया कलाम तो मैं सोच रहा हूँ आपके यहाँ से सुनना चाहते हैं, बोल के ये तो कलाम आपको याद भी होगा और आप पढ़ेंगे भी इंशाअल्लाह। ऊंची आवाज में नूर सागर ऐसा है मेरे सरकार कदर ऐसा है मेरे सरकार कदर सबसे अच्छा सबसे बेहतर ऐसा मेरे ऐसा है मेरे खामोश रहना। इधर वाले बच्चे बैठे हैं, ये सब भी देख लो कि ये पढ़ते हैं कि नहीं। एक बार आप पढ़ के बताइए। सबसे अच्छा अब आप लोग बताओ कि कैसे पढ़ा जाता है। सबसे अच्छा एक बार सारे खड़े हुजूर के गुलाम बैठे हाथ उठा के पूरी ताकत के साथ पढ़ें। सबसे अच्छा सबसे बेहतर ऐसा मेरे अल्लाह ने बड़ा करम किया कि इस बार भी मदीने शरीफ में थे रमजान में एक महीने और इंशाल्लाह अगले रमजान जब आएगा तो भाई के साथ तो एक शेर मैं आपको सुना रहा हूँ। अल्लाह करे कि आप जाएं मदीने पाक और फिर जाएं तो महसूस कर सकें इंशाअल्लाह। सबसे अच्छा ऐसा
ऐसा है मेरे सरकार का दर बरेली वाले ने ये इश्क मोहब्बत की राह पाई है बरेली वाले ने पाई है बरेली वाले ने रखते हैं रजा रखते दीवाने ऐसा है मेरे सरकार वाह क्या जूद कर्म है शेख बतखा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा क्योंकि सबसे अच्छा सबसे मेहरबान दुआ ऐसा है मेरे सरकार कदर बहुत हो चुकी मरने जीने की बातें क्या बात है क्या बात कर ले मदीने की बातें बोले सबसे अच्छा से बेहतर एक दीवाना चुप रहता है एक दीवाना चुप रहता है कहता है तो ये कहता है सबसे अच्छा ऐसा है मेरे ऐसा है मेरे ऐसा है मेरे सरकार कदर ऊंची आवाज में ऐसा है मेरे सरकार का दर पुर हवा पुर नूर सागर ऐसा है मेरे सरकार का दर ऐसा है मेरे सरकार का दर ऐसा है मेरे सरकार का दर सरकार 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 ताजुशरिया के जितने दीवाने
जरा एक बार हाथ उठा के मोहब्बत के साथ कहें या हुसैन, पूरी ताकत के साथ कहें या हुसैन। माशाल्लाह सुनिए, सबसे अच्छा सबसे बेहतर ऐसा है मेरे सरकार का दर, ऐसा है मेरे सरकार का दर। इस दर की गुलामी वाजिब है, इस दर की मोहब्बत लाजिब है, इस दर की मोहब्बत लाजिब है। ये कहते रहे मेरे अख्तर, सलामत रहे माशाल्लाह। ऐसा है मेरे सरकार। इस दर की मोहब्बत की खातिर सरकार मुजाहिद मिल्लत ने, इस दर की मोहब्बत की खातिर सरकार मुजाहिद मिल्लत ने, सरकार मुजाहिद मिल्लत ने छोड़ा है हवेली जैसा घर। ऐसा है मेरे सरकार। ये कलाम मैंने अपने हिसाब से पढ़ दिया। एक कलाम हमारे ये सारे भाई बहुत दूर दूर से आए हैं, इनके लिए पढ़ देता हूँ। कैमरा वाले सारे याद किए जाते हैं तेरे दीवाने आका, तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं, दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं, तेरे दीवाने तुझे दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं। तू नवाज़े नवाज़े तेरी मर्ज़ी मौला, तू नवाज़े नवाज़े तेरी मर्ज़ी मौला, हम तो सजदे तेरी चौखट पे किए जाते हैं, हम तो सजदे तेरी चौखट पे किए जाते हैं, दर्द सह कर तेरा। और ऊंची आवाज करो, दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं। एक हम है कि जिन्हें कुछ भी नहीं पासे वफा, एक हम है कि जिन्हें कुछ भी नहीं पासे वफा, एक वो है जो करम हम पे किए जाते हैं, तेरा।
और इस मंजिल में जो बंदा होगा वो ये शेर सुनिए। शुक्रिया तेरा रफूगर मगर इतना तो बता, शुक्रिया तेरा रफूगर मगर इतना तो बता, क्या मोहब्बत में गिरे बाल से जाते हैं, दर्द सह कर भी तेरा जाते हैं। आ गया हूँ जो मदीना, ये कर्म है उनका, आ गया हूँ जो मदीना, ये कर्म है उनका, वरना हम जैसे तो धुतकार दिए जाते आप। ऐ फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, ऐ फना आवाज में, दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए, तेरे दीवाने तुझे याद किए। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे हजरत। तो फिर इंशाल्लाह जब मैं आऊंगा तो आपकी जो फरमाइश है इंशाल्लाह। सलाम सलाम। Thank you.